श्रद्धेय मंच, मेरे समक्ष उपस्थित जागरूक भाइयों, बहनों, माताओं, मैं अभी 25 दिसंबर को रामलीला मैदान में थी। उस दिन क्रिसमस होती है, मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन होता है, स्वामी श्रद्धानंद जी का भी बलिदान दिवस होता है। आर्य समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है रामलीला मैदान में, हजारों लोग आते हैं। वहाँ जब बात हुई कि CAA क्या है, उससे पहले जो हम लोगों ने भूमिका रखी वो ये थी कि ये तो आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई है। आप देखिए, पिछले 6 महीने में ट्रिपल तलाक समाप्त हुआ। यहाँ जब अब आदमी बोलता है तलाक तलाक तलाक, बीवी बोलती है जेल जेल जेल। उसकी खुशी अभी हम लोग प्रसन्न मुद्रा में ही थे तो ध्यान आया कि 370 के वो सब प्रावधान हट गए जो कहते थे कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। मुझे ध्यान है उस समय जो बात हुई थी, महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था, उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था, और क्या कहा था, बारूद है ये, इसको हाथ मत लगाना, पूरा देश जल जाएगा। ये हट गया और कहीं कुछ भी नहीं हुआ। और आज उनमें से एक वहाँ लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ रहे हैं कन्फाइनमेंट में, और दूसरे जिम कर रहे हैं। उसके बाद वो समाप्ति की ओर था और तभी ध्यान आया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया राम मंदिर पर, और अब भव्य राम मंदिर बनने का रास्ता भी साफ हो गया। अभी वो चल ही रहा था, कहते ना कि खुशी मिली इतनी मन में ना समाए, तो वो खुशी मिल ही रही थी। हमने भी इंजॉय भी नहीं किया था और धन्यवाद भी नहीं किया था उन सभी लोगों को जो संघर्ष में शामिल हुए हैं पिछले लगभग 500 सालों से। और तभी ध्यान आया कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का प्रताड़ित हिंदू, सिख और अल्पसंख्यक है, जो भारत का शरणागत है, 5 साल से भारत में रह रहा है, उनको हम नागरिकता देंगे। तो ये जो 70 साल की बीमारियां हैं, ये धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। और ध्यान आता है कितनी ही कठिनाइयां आई सबके सामने, कितने ही संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन ना झुके ना रुके ना टूटे, क्योंकि जो पत्थर चोट लगकर टूट जाता है वो कंकड़ हो जाता है, और जो पत्थर उस चोट को सह जाता है वो शंकर हो जाता है। अभी मैं प्रयाग में थी और लखनऊ में थी, वहाँ पर इंटरनेट बंद था। दिल्ली में भी बहुत समय तक इंटरनेट बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स में बंद रहा, बेंगलोर में, कितने ही शहरों में बंद रहा, और हमने देखा कि कितने हिंसक प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पर उतरे रहे, और ऐसा लगा कि चारों ओर एक सिविल वॉर की सिचुएशन बन रही है, अशांति है चारों ओर। इसी बीच में एक न्यूज़ आई जो शायद हम सबके जहन में आ ना पाई। वो न्यूज़ ये थी कि एक पाकिस्तानी महिला हसीना बेन, उसको एक हफ्ता पहले, पाकिस्तानी महिला है, उसको भारत की नागरिकता दे दी गई है। मेरे मन में आया कि इतना बवाल हो रहा है और यहाँ एक पाकिस्तानी मुस्लिम महिला को आप भारत की नागरिकता दे रहे हो, ऐसा तो ये बवाल किस लिए, कौन है ये बवाल कर रहे हैं, क्या इनको मालूम है ये बवाल कर क्यों रहे हैं। तो ध्यान में आया पहला कि ये जो बवाल कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं या बाकी लोग हैं, इनको मालूम ही नहीं है कि नागरिक संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या। दूसरा, जिनको मालूम है वो बताना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं इंसाइट करना, चाहते हैं मिसलीड करना, ताकि अशांति फैले, ताकि दंगे भड़के। और इन सबके लिए किसी ने कहा है कि मत पूछिए क्यों पाँव में रफ्तार नहीं है, ये कारवां मंजिल का तलबगार नहीं है, सब है तमाशबीन लगाए हैं दूरबीन, सच जानने को कोई भी तैयार नहीं है, जो आदमी की साफ सही शक्ल दिखा दे वह आईना माहौल को दरकार नहीं है। तो आप जो मेरे समक्ष
पंचनद शोध संस्थान के सभी सदस्यगण बैठे हैं जो आज कार्यक्रम में आए हैं। हम सब जाने कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या, और हम समाज में हर किसी को बताएं कि ये है क्या और कैसे ये भारत के लाभ में है। तो सेक्शन 3 ऑनवर्ड्स कहता है सिटीजनशिप एक्ट का कि भारत की नागरिकता कैसे ली जा सकती है। भारत की नागरिकता 5 तरह से ली जा सकती है। पहला, जन्म से, बाय बर्थ। दूसरा, वंश से, बाय पेरेंटेज। तीसरा, प्राकृतिकरण से, यानी एक निश्चित समय के लिए आप भारत में रहते हो। चौथा, पंजीकरण से, रजिस्ट्रेशन से, जैसे मैरिज में रजिस्ट्रेशन होता है। और पांचवा, यदि भारत किसी देश को, उसके भूभाग को भारत में विलय कर लेता है, जैसे सिक्किम को किया था, तब नागरिकता ली जा सकती है। अब बवाल क्या है? सेक्शन 2 कहता है सिटीजनशिप एक्ट का, अवैध प्रवासी कौन है, यानी इलीगल इमिग्रेंट कौन है, कि वो विदेशी जो भारत में बिना कागज के आया है, बिना ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के आया है, बिना पासपोर्ट के आया है, वो इलीगल इमिग्रेंट है, या कागजों के साथ आया था पर कागजों पर डेट एक्सपायर हो चुकी है, अब निश्चित समय सीमा के बाद भी वो यहां रह रहा है, वो अवैध प्रवासी है, उसको डिटेन किया जाएगा, उसको डिपोर्ट किया जाएगा, वापस अपने देश में जाएगा। यहां एक राहत दी गई है, यहां एक छूट दी गई है, एक नैरो विंडो दे दी गई है कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, 3 पड़ोसी इस्लामिक देशों से प्रताड़ित हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं और क्रिश्चियन हैं, जो 5 साल से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले हिंदुस्तान में आए थे, उनको डिटेन करके डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, वो यहाँ शरण में आए हैं, उनको नागरिकता दे दी जाएगी। यही है नागरिक संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इतना ही है बस। लेकिन फिर कई तरह के क्वेश्चंस उठते हैं, क्योंकि जो झगड़ा है वो नरेटिव्स का है, मिथ्या का है, भ्रम क्या है और असलियत का है। पहला प्रश्न उठता है, क्यों लाया गया ये कानून, क्या आवश्यकता था इसकी? तो आवश्यकता क्या थी कि 1947 में ये सारा भारतवर्ष ही था, पाकिस्तान नहीं था, बांग्लादेश नहीं था, ये सब भारतीय ही तो थे जो रात को लाहौर और कराची में सोए थे, सुबह उठे तो वो पाकिस्तानी हो गए थे, रात को वो हिंदुस्तान में सोए थे, सुबह उठे तो वो लाहौर और कराची में जागे थे, वो पाकिस्तानी हो गए, वो तो हिंदुस्तानी ही थे। लेकिन धर्म के आधार पर 1947 में जो भारत का विभाजन किया गया, तभी तो ये पाकिस्तानी हुए। और उस समय ये कहा गया था दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा, ये समझौता हुआ था नेहरू लियाकत पैक्ट 1950 में जाकर, पर ऐसे वक्तव्य 1947 से आ रहे थे कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया जाएगा, सुरक्षा दी जाएगी। पर क्या हुआ, पाकिस्तान में 1951 में 23% थे, आज 1.some% हैं। बांग्लादेश में ये लगभग 22% थे, आज 8% से भी कम हो गए हैं। कहाँ गए ये लोग? या वहां पर काफिर कहकर मार दिया गया, या वहां पर धर्म परिवर्तन कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, या वो लोग भागकर भारत आ गए। जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है, उसमें ये स्टेटमेंट दी गई थी कि हर साल 5,000 हिंदू सिख पाकिस्तान से अत्याचारों के कारण से भारत आते हैं। आप देखिए, उस समय की बात है, 1947, एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हुए, वो दलित नेता थे, विद्वान थे, जोगेंद्र नाथ मंडल। 1947 में बहुत बड़े नेता थे, विद्वान थे, दलित थे, उनको लगा कि दलितों का जो लाभ है, फायदा है, वो मुस्लिम लीग के साथ ही होगा। 1947 का विभाजन हुआ तो वो पाकिस्तान में चले गए,
पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने, वहां गए, वहां 3 साल रहे। उसके बाद 1950 में उन्होंने एक रेजिग्नेशन लेटर, त्याग पत्र दिया वहां के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को, ये लिखते हुए कि बहुत मन से आया था, ये सोच कर आया था कि दलितों का यहाँ पर पाकिस्तान में उद्धार होगा, यहाँ धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ आया तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि मंदिरों को तोड़कर वहाँ चमड़े की और मांस की दुकानें बनाई जा रही हैं, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन करके उनके साथ निकाह किया जा रहा है, आदमियों को मारा जा रहा है, उनको काफिर कहकर ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ पर दलित, हिंदू, सिख, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। मैं वापस भारत जा रहा हूँ। और अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे 1947 ऑनवर्ड्स, चाहे वो गांधी जी का रहा हो, चाहे वो नेहरू जी का रहा हो, चाहे वो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी का जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे उनका रहा हो, चाहे कांग्रेस का रेजोल्यूशन रहा हो 5 नवंबर 1947 का, सभी ने क्या कहा कि हिंदू और सिख जो पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में आ रहे हैं, धर्म के आधार पर उन पर अत्याचार हो रहे हैं, भारत का फर्ज है उनको संरक्षण देना, ये भारत का मानवीय, नैतिक और मौलिक कर्तव्य है। पर हुआ क्या, आज तक वो शरणार्थी ही रहे, नरक की जिंदगी जी रहे थे। अब प्रश्न उठता है, क्या ये जो कानून है, कानून यानी जो राहत दी गई है कि 3 इस्लामिक देशों से हिंदू, सिख और बाकी लोग आएंगे, 5 साल से जो आए हुए हैं उनको हम नागरिकता देंगे, क्या ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट में है? नॉट एट ऑल। ये पूरा अमेंडमेंट, पूरा संशोधन मुस्लिम्स के बाद भी नहीं कर रहा, ये संशोधन तो ऐसा है जो नागरिकता देता है, नागरिकता लेता नहीं है। और ये संशोधन जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए है जो बाहर से यहां आ रहे हैं, यहां भारत के नागरिकों के बारे में कुछ नहीं कह रहा, उन पे तो एप्लीकेबल ही नहीं होता है। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि ये अहमदिया, शिया, अफगानिस्तान से हजारे, इनकी भी तो प्रताड़ना हुई है, इनका क्या? हमारा कहना है कि ये सब मुस्लिम हैं, इस्लाम के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में इनको प्रताड़ित नहीं किया गया, किसी भी और कारण से किया गया होगा, धर्म के आधार पर प्रताड़ना नहीं हुई है। अच्छा, ये श्रीलंका से जो तमिल यहाँ आए हैं, प्रताड़ना तो उनकी भी हुई है, अत्याचार तो उन पर भी हुआ है, पर उनके बारे में क्या? इस एक्ट में तो कोई प्रावधान नहीं है। मैं फिर कहूँगी, ये राहत केवल 3 इस्लामिक देशों से प्रताड़ित हिंदू, सिख और माइनॉरिटीज के लिए है। श्रीलंका मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, वहाँ से जो हमारे तमिल भाई हैं उनकी प्रताड़ना धर्म के आधार पर नहीं है, किसी भी और आधार पर हो सकती है। तो एक प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान में अत्याचार हुए हैं, ये एक ईविल है, इसको ये संशोधन टैकल करता है। जरूरी नहीं कि संसार में जितने ईविल्स हैं सबका सॉल्यूशन ये संशोधन दे, जैसे जैसे प्रॉब्लम आती है वैसे वैसे उसका सॉल्यूशन भी आता है। अब प्रश्न उठता है रोहिंग्यास के बारे में, क्या रोहिंग्यास को तो आप नागरिकता नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं देंगे रोहिंग्यास को नागरिकता, बिल्कुल नहीं देंगे। रोहिंग्यास शरणार्थी नहीं है, रोहिंग्यास ने वहां बर्मा, जिसको म्यांमार कहा जाता है, उस राष्ट्र को तोड़ने की कोशिश की, उनके लिंक्स हैं टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ISI के साथ लिंक्स हैं, वहां गांवों में उन्होंने खड़ा करके बुद्धिस्ट को, हिंदू को, तुम तो काफिर हो ऐसे कहकर गोली मार दी थी, वो शरणार्थी नहीं है। शरणार्थी होते तो बर्मा के साथ चाइना लगता है कुछ ही किलोमीटर दूर, वहां से वो चाइना चले जाते, इतने लंबा रास्ता पार करके 1000 किलोमीटर हिंदुस्तान से जम्मू में ही जाकर बसते हैं, उसी कॉलोनी में जाकर बसते हैं, 1 महीने में उनका आधार कार्ड भी बन जाता है, आखिर कैसे? ये प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। मैं एक बात और कहूंगी, अब बहुत बड़ा प्रश्न उठा नॉर्थ ईस्ट का, क्या नॉर्थ ईस्ट में इतना बवाल? देखिए, नॉर्थ ईस्ट का इशू एक अलग है, ये जो नागरिक संशोधन अधिनियम है ये नॉर्थ ईस्ट के जो वनवासी इलाके हैं,
ट्राइबल एरियाज हैं जो सिक्स शेड्यूल में आते हैं या जहां इनर लाइन परमिट है वहां पर लागू नहीं होता है। अच्छा, असम का क्या? देखिए, असम में प्रॉब्लम अलग है, उसे मैं आगे एनआरसी में आऊंगी। असम में क्या है, 1947 ऑनवर्ड्स, फिर 1971 जब बांग्लादेश बना, तब से जबरदस्त घुसपैठ हो रही है। वहां से लाखों घुसपैठिए लगातार असम में आ रहे हैं। ऐसा हाल हो गया कि वहां का धर्म, वहां की संस्कृति, वहां की भाषा सब अल्पमत में आ जाएगी। तो वहां एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, मैं इसकी चर्चा भी करूंगी। अगला प्रश्न आता है, क्या ये नागरिक संशोधन अधिनियम हमारे संविधान के विरुद्ध है? क्या ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, 25 इसके विरुद्ध है? क्या ये धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है? बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 14 अगर आप देखेंगे, समानता का अधिकार, एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये है आर्टिकल 14, समानता का अधिकार, समान परिस्थितियों में सबके साथ समान अधिकार, समान बर्ताव होगा, लेकिन देयर कैन नॉट बी इक्वालिटी अमंगस्ट अनइक्वल्स। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, विमेन रिजर्वेशन का जो चलता है, एक अलग से वर्ग बना दिया है विमेन। विमेन क्यों, उनको रिजर्वेशन दी जानी चाहिए, क्यों दी जानी चाहिए? क्योंकि बहुत समय से उनकी प्रताड़ना हुई है समाज द्वारा, वो डिसीशन मेकिंग बॉडीज में कम है, इसलिए जब विमेन को रिजर्वेशन दी गई तो वो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं था। तो ऐसे ही रीजनेबल क्लासिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट कहती है आर्टिकल 14 में अलाउड है। एक क्लास बना दी गई है, क्लास क्या है, इन तीन इस्लामिक देशों का प्रताड़ित हिंदू, सिख और अल्पसंख्यक वर्ग, ये बना दी गई है। उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है ऐसा संशोधन लाने का, कि इनको जीवन की, धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं करती। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि नागरिकों का धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। नागरिकों का, आर्टिकल 15 आपके और मेरे लिए है, बाहर से आने वाले लोगों के लिए नहीं है। आर्टिकल 25 वो कहता है सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता है, धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, वो तो है ही, या हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, कोई भी है, हर कोई अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, किसी को रोका नहीं जा रहा है, कोई वायलेशन नहीं हो रहा है, कोई विरोध में नहीं है। पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जो ये 3, 4, 5 आर्टिकल्स की बात लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल्स दायर करते हैं, कि देखिए जो भारत का संविधान है वो भारत की रूल बुक है, वो भारत को गवर्न करने के लिए है, हमारा संविधान हमारे लिए है। हम कहेंगे संविधान के अंडर जो जो राइट्स हम भारतवासियों के पास हैं, वही आप अमेरिका के लोगों को दीजिए, फ्रांस के लोगों को दीजिए, पाकिस्तान के लोगों को दीजिए, क्यों दें हम? और दूसरी बात, अगर आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, ऐसे कितनी ही कंट्रीज हैं जहां पर 2-2, 3-3 पीढ़ियों से भारतीय रह रहे हैं, उनके पास वहां काम करने का अधिकार है, नागरिकता नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है। तो कौन भारत का नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, वो भारत तय करेगा। अभी लगभग एक महीना पहले यूएसए से, अगर आपको, आपने न्यूज देखी हो, यूएसए से लगभग 150 इंडियंस को वापस प्लेन द्वारा भेज दिया गया है, हाथों में हथकड़ियां पहनाकर। क्यों? क्योंकि उनके पास कागज नहीं थे, वहां रहने के कागज नहीं थे, उनको वापस डिपोर्ट कर दिया गया है। देखिए, हर नेशन तय करता है कि जो उसके नागरिक हैं वो वहां रहेंगे, जो परमिशन से रह रहे हैं वो वहां रहेंगे, पर जो घुसपैठ करके वहां आए हैं, दे आर नॉट वांटेड हियर। अब क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसा एक संशोधन हुआ है? क्या पहली बार किसी को नागरिकता दी जा रही है? बिल्कुल नहीं। 1950 में जवाहरलाल नेहरू जी इमिग्रेंट एक्सपल्शन फ्रॉम आसाम एक्ट लेकर आए थे, उन्होंने उस समय एक्ट में लाए थे कि जो जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके आ रहे हैं, सबको वापस भेजो, लेकिन हिंदुओं को, सिखों को यही रोक लो, क्योंकि वो प्रताड़ित समाज है, वो प्रताड़ना के कारण से वहां से यहां आ रहे हैं। 1972 में
इंदिरा गांधी जी उस समय थी और युगांडा के जो राष्ट्रपति थे इदी अमीन, उन्होंने कहा कि जितने भी हिंदू सुख है निकल जाओ युगांडा से एक महीने के अंदर, अपनी सब प्रॉपर्टीज छोड़कर चले जाओ। वहां से जितना हाथ में ला सकते थे वो लेकर हिंदुस्तान आए। उन लोगों को यहाँ पर हिंदुओं को सिखों को नागरिकता दी गई। यहाँ पर कहाँ जाएंगे वो, उनके पास तो कोई और देश नहीं है ना जाने के लिए। उसके बाद 2003 में मनमोहन सिंह जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा कि जो हिंदू और सिख रेफ्यूजीज आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, उनको नागरिकता दी जानी चाहिए। अब आप कहेंगे कि हर कोई कह रहा है नागरिकता दीजिए, पहले भी हो चुका है, तो आज इतना विरोध क्यों? ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा कहा है कि जो वहां से प्रताड़ित समाज है उसको नागरिकता दीजिए। आप देखिए, गांधी जी ने कहा, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा, नेहरू जी और लियाकत अली खां का तो 1950 में पैक्ट हो गया था, एग्रीमेंट हो गया था कि जो भी अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा की जाएगी। इंदिरा गांधी जी ने कहा, हाँ आपके सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी प्रकाश करात ने चिट्ठी लिखी 2012 में मनमोहन सिंह जी को, ये कहा कि जो वहां से आ रहे हैं बांग्लादेश से उनमें अधिकांश हिंदू और सिखों में दलित हैं, उन्होंने प्रताड़ना सही है, उनको नागरिकता की राहत दीजिए। फिर आज यूनिवर्सिटीज में बवाल क्यों, प्रश्न उठता है, सब यूनिवर्सिटीज में बवाल है? द आंसर इज नो। 250 के लगभग यूनिवर्सिटीज हैं, 20 यूनिवर्सिटीज में छुटपुट घटनाएं हुई हैं, 3 यूनिवर्सिटीज में अधिक बवाल हुआ है, एएमयू में हुआ है, जामिया मिलिया इस्लामिया में हुआ है और कुछ जादवपुर में हुआ है, बाकी एरियाज में हुआ है। तो यूनिवर्सिटीज के विरोध में क्यों है, उसके मुझे 3 कारण लगते हैं। पहला, स्टूडेंट्स ने टीचर्स ने यह कानून नहीं पढ़ा। दूसरा, जिन्होंने पढ़ा है वो लोग इनको इंसाइट कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि मुस्लिम्स को बाहर निकाल दिया जाएगा। और साथ में कहना चाहूंगी नाम लेकर कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट इसको भड़का रहे हैं, क्योंकि जो जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंसा भड़काने के लिए FIR लॉज हुई है वो किन के खिलाफ हुई है, कौन कौन से नाम है उसमें? कांग्रेस के नेता आसिफ मोहम्मद खान का नाम है, आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट लीडर कासिम उस्मानी का नाम है और ऐसा के लीडर यानी कम्युनिस्ट लीडर चंदन कुमार का नाम है। और अगला मैं कहना चाहूंगी, इस एजिटेशन को हाईजैक कर लिया गया है कट्टरपंथियों ने, सिमी का नाम आ रहा है, PFI का नाम आ रहा है, हाईजैक कर लिया है आउटसाइडर्स ने, हाईजैक कर लिया है क्रिमिनल्स ने, वरना ये नारे ना लगते जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगे कि हिंदुओं की कब्र खुदेगी AMU की धरती पर, ये नारा ना लगता जो जामिया मिलिया इस्लामिया में लगा है कि हमें चाहिए आज़ादी, हिंदुओं से आज़ादी, ये नारे ना लगते। अब फिर अगला प्रश्न आता है, ठीक है पर स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज क्यों? प्रश्न ये नहीं, प्रश्न है किन परिस्थितियों में लाठी चार्ज किया गया, क्या परिस्थितियां थी? बसों में यात्री बैठे हुए थे, भरी हुई बसों के ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए, वो पेट्रोल बम कहां से आए? बसें जलाई गई, फायर ब्रिगेड आई, फायर ब्रिगेड को तोड़ दिया गया, जामिया के अंदर से पुलिस पर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, ये बड़े बड़े पत्थर यूनिवर्सिटी में कहाँ से आए? न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जो जामिया के पास में एक कॉलोनी है वहाँ से मुझे फोन्स आए और लोगों ने बताया कि कैसे घरों में घुसकर उपद्रवी उत्पात मचा रहे, घरों को तोड़ रहे हैं, वहाँ पे अराजकता का माहौल है। और क्या कहा गया कि 500 शहरों में हम लोग मेजॉरिटी में तो हैं ही, 500 शहरों को बंद कर दो, जाम कर दो। इसलिए मैंने कहा कि स्टूडेंट्स तो आए ही थे, साथ में जितने भी ये इलीगल तत्व हैं, शरारती तत्व हैं, इन्होंने हाईजैक कर लिया ये पूरा आंदोलन। पुलिस कहती है कि ये पूरी प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। कैसे? कि जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले फेंके,
कुछ स्टूडेंट्स आए, उनके पास सर्दी के मौसम में गीले कंबल थे, पानी से निचुड़ते हुए कंबल थे, उन्होंने आंसू गैस के गोलों के ऊपर गीले कंबल डाल दिए ताकि असर कम हो। स्टूडेंट्स के पास तो किताब होनी चाहिए, पेन होना चाहिए। सर्दी के मौसम में सूखा कंबल हो सकता है, शॉल हो सकती है, ये गीले कंबल कहाँ से आए? उनको मालूम था कि पुलिस आंसू गैस के गोले मारेगी और गीले कंबल डालने हैं उसके ऊपर? ये किस पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है? पेट्रोल बॉम्ब, स्टोन्स फेंके गए पुलिस के ऊपर, लोगों के ऊपर, और अगर आपने सोशल मीडिया में देखा हो और ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स ने बताया, जो पूरी व्हाट्सएप चैट दिखा दी कि जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट लीडर्स के बीच में हो रही थी कि जितने भी एजिटेशंस हो रही हैं, लड़कियों को फ्रंट लाइन में रखो, लड़कियां फ्रंट लाइन में होंगी तो पुलिस लाठी चार्ज नहीं कर पाएगी, और अगर पुलिस हाथ लगाती है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस फाइल कर दो। जो टिपिकल ये कॉन्स्पिरेसी रहती है कांग्रेस और कम्युनिस्ट की, टीम ए जो झूठ फैलाती है, अफवाहें फैलाती है। क्या अफवाहें फैला रही है CAA पर कि ये जो आया है कानून ये मुस्लिम विरोधी है? अफवाहें फैला देती है, स्टूडेंट्स को प्रवोक करती है, हाईजैक करते हैं प्रोटेस्ट, हिंसा करते हैं, लड़कियों को आगे रख देते हैं। कोई भी पुलिस लाठी चार्ज करती है तो बवाल मच जाता है जब टीम बी आ जाती है। टीम बी कहती है, जो सोशल मीडिया पर और मीडिया पर एक्टिव हो जाती है, अरे ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इंडिया हैज अगेन बिकम इनटॉलरेंट, कुछ तो अपने भारत रत्न जो गलती से मिल गया था वो भी सोच रही है वापिस करने के लिए। टीम सी आ जाती है फिर, वो कहती है ह्यूमन राइट्स कमीशन जाती है कि ह्यूमन राइट्स अंडर थ्रेट। फिर टीम डी तो हम सब जानते ही हैं, वही बैटरी ऑफ लॉयर्स जो याकूब मेमन के लिए आते हैं, जो अफजल गुरु के लिए आते हैं, जो राम मंदिर का विरोध करते हैं, ट्रिपल तलाक का समर्थन करते हैं, ऐसे ही इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं अर्जेंटली आप सुनो हमारी बात, लाठी चार्ज हुआ है। पर सुप्रीम कोर्ट कहती है हिंसा को रोको तब तुम्हारी बात सुनेंगे। हिंसा धीरे धीरे रुक जाती है। ये ऐसे ही नहीं हो गया, इस कॉन्स्पिरेसी से आप और हम वाकिफ हैं, इस कॉन्स्पिरेसी से ये भारत वाकिफ है जो 70 साल से चल रही हैं। पर आज फर्क क्या आ गया है? फर्क यही आ गया है कि ऊपर मोदी है, नीचे योगी है, और यहां आप सब लोगों के हाथ में वो ब्रह्मास्त्र है 8 इंच का। क्योंकि जब मीडिया या सोशल मीडिया चुप रहता था तो आप लोग बोलते हैं, आप लोग अपनी बात रखते हैं, और आप लोग बताते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये भी एक पक्ष है। अब बात आती है NRC क्या है। NRC है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, भारत के नागरिकों की सूची हर देश में होती है। कौन लेकर आया NRC? 1951 में कांग्रेस सरकार पहली बार NRC लेकर आई थी। हुआ क्या था? हुआ ये था कि 1971 ऑनवर्ड्स जबरदस्त घुसपैठ बांग्लादेश से हो रही थी, तो आसाम में ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन का एजिटेशन शुरू हुआ। 6 साल लंबा ये एजिटेशन रहा, फिर ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन और राजीव गांधी का पैक्ट हुआ 1985 में। क्या पैक्ट हुआ कि 24 मार्च 1971 तक जो भारत में आ गया है उसको हम नागरिकता देंगे, उसके बाद जो भारत में आएगा उसको नागरिकता नहीं देंगे। लेकिन इस NRC को कभी अपडेट नहीं किया गया, तो 2013 में आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपडेट क्यों नहीं करते NRC? सुप्रीम कोर्ट क्लोजली मॉनिटर करती रही इस सूची को, भारत के नागरिकों की सूची को अपडेट किया जाने लगा। अभी एक सूची आई है जिसमें बहुत से लोग शामिल नहीं हैं, वो लोग कह रहे हैं हमारा क्या होगा, हमारा नाम तो है ही नहीं इसमें, लेकिन उनके लिए फॉरनर्स ट्राइब्यूनल बना है, वहाँ अपने ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, क्लेम फाइल कर सकते हैं, कागज दिखा सकते हैं और भारत के नागरिक हो सकते हैं। अब NRC सिर्फ आसाम के लिए है, केवल और केवल आसाम के लिए है, NRC पूरे देश के लिए नहीं है। उसमें आपको कागज क्या दिखाने थे?
मुश्किल क्या थी? एनआरसी में आपको क्या कागज दिखाने थे? आप दिखा देते कि जो पहली एनआरसी हुई थी, पहली सूची बनी थी नागरिकों की 1951 में, उसमें हमारा नाम था, उसमें हमारे बाप दादा का नाम था, या आपका वोटर कार्ड बना हुआ है जो 1971 में वोटर लिस्ट बनी थी उसमें आपका नाम था, कोई बैंक अकाउंट, आप जहां पैदा हुए बर्थ सर्टिफिकेट, जिस स्कूल में गए, जिस स्कूल से पास आउट हुए, जिस कॉलेज में गए, जहां नौकरी की, कोई लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रहा होगा, पंचायत में कोई आपका जो वहाँ पर तहसीलदार है उसके पास कोई नाम होगा, कोई किराया पे आप रहे होंगे, आपके हाथ में छोटी मोटी जमीन होगी, कोई तो कागज होगा। जनधन योजना के लिए कागज आ जाता है, शौचालय, मकान, हेल्थ कार्ड के लिए कागज आ जाता है, पर आज हम कागज नहीं दिखाएंगे। दुनिया में किसी देश में ऐसा हो सकता है कि हम कागज नहीं दिखाएंगे? आपको आज वीजा, मास्टर कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, आप जा जाकर कागज देखो। आज कौन कह सकता है कि कागज नहीं है? कागज नहीं है, छोड़ो, कोई दो लोग जिनका नाम इस नागरिक सूची एनआरसी में है वो एफिडेविट दे दें, हाँ हम इसको जानते हैं, ये उस समय से यहां रह रहा है, वो भी चलेगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके बाप, आपके दादाजी के पास कुछ भी नहीं है, ऐसा पॉसिबल है क्या? नरेटिव ऐसा बना दिया गया है। तो इसलिए बहुत अच्छा सा वहाँ बोलते हैं, सोशल मीडिया में भी कई बार आता है, वो आता है कि अगर आप यहाँ के हैं तो आपको डर कैसा, और अगर आप यहाँ के हैं ही नहीं, घुसपैठिए हैं, तो ये शहर आपका नहीं है, आप जा सकते हैं यहाँ से। अब आखिर में मैं यही बात कहना चाहूँगी कि देखिए, मैं मजनू का टीला है दिल्ली में, वहाँ पर पाकिस्तान से आए हुए कुछ शरणार्थी भाई बहनें रहती हैं। मैं उस शरणार्थी कैंप में गई, मैं उनसे पूछा, अगर पाकिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, आप वहाँ वापस जाना चाहेंगे? उनमें से एक ने मुझे कहा, हम मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, हम वापस नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को मेरे सामने उसका अपहरण कर लिया गया था, धर्म परिवर्तन कर दिया गया था और निकाह कर दिया गया, उसको वहाँ छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ बाकी अपनी बेटियों को लेकर, बहू बेटियों के साथ मैं वहाँ नहीं जा सकता। दूसरे ने कहा कि मेरा बेटा 12 साल का था, उसको कहा कि तू कलमा पढ़, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं पढ़ूँगा, वहीं मेरे सामने उसको मार दिया गया, मैं अपने बाकी के परिवार को लेकर यहाँ वापस आ गया हूँ, वहाँ हमारे लिए कुछ नहीं है। आप लोग क्यों सोच रहे हो कि जहाँ हम 23% थे, जो हम 1% रह गए हैं, आज हमारा वजूद ही खत्म हो जाए, हम 0% हो गए? तो मुझे ध्यान आया कि हम लोगों के भी तो दादाजी ये कहानियाँ सुनाते थे हमें, कि जिन ट्रेनों पे वो लोग वहाँ से आए थे, उसमें लोगों को काटा जा रहा था, मारा जा रहा था, लहू लुहान होकर वो ट्रेन यहाँ पर दिल्ली में, पंजाब में, बाकी जगह पर आई थी। हम तो बहुत फॉर्चुनेट थे कि उस समय आ गए, पर यही हमारे भाई थे जो वहीं रहे। वहाँ क्यों रहे? शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी, शायद पैसा नहीं था हिंदुस्तान आने के लिए, या शायद विश्वास कर लिया उन नेताओं के ऊपर कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आज वो कह रहे हैं, मैं तो यहाँ आ चुका हूँ, मैं तो 5 साल से 10 साल से यहीं रह रहा हूँ, अपनाना है तो अपनाओ, वरना मेरी अस्थियाँ तो यहाँ गंगा में ही प्रवाहित होंगी। तो आपसे गुहार लगा रहा है कि आप उसका साथ देंगे कि नहीं देंगे। तो आप सबसे कह रहा है कि हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हम सबका मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी राष्ट्रभक्ति की आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।